अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई एम फाइन, आई होप यू आर आल्सो फाइन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर जो 3 है, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, इसकी जो है रवीन में इसकी रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो है इसकी जो वर्क बुक का काम है जो है पेज नंबर 13 कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 13 इसको हम रिवाइज करने लगे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ए पार्ट आपका, चूज़ द करेक्ट आंसर, आपने करेक्ट आंसर को चूज़ करना है, ठीक है। नंबर 1 है K2 इज़ द हाईएस्ट पीक इन डैश, K2 जो है वो हाईएस्ट पीक है, कौन से जो है वो कौन सा पहाड़ी सिलसिला है जिसकी जो है वो हाईएस्ट पीक K2 है। नंबर 1 है कराकरम रेंज, नंबर 2 है हिमालयन रेंज और नंबर 3 है हिंदू कश रेंज। तो फर्स्ट आएगा जो है इसका ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन आएगा, कराकरम रेंज। सेकेंड है इंडस रिवर फॉल्स इन टू द डैश, जो इंडस रिवर है वो कहाँ पे जाके गिरता है, मेडिटेरेनियन सी में जाके या अराबियन सी में या रेड सी में। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आएगा, अराबियन सी। नंबर 3 जो है वो है पाइनद मीन्स, पाइनद का जो है वो क्या मतलब है, ए ऑप्शन है 5 रिवर्स, बी है 6 रिवर्स और सी है 7 रिवर्स। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आएगा, 6 रिवर्स। 4 नंबर पे है आपका डैश इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टर्म ऑफ एरिया, एरिया के हिसाब से जो पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा सूबा है वो कौन सा है, ए जो है वो सिंध है, बी जो है वो पंजाब है और सी जो है वो बलूचिस्तान है। तो कौन सा है, बलूचिस्तान। बी आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, आपने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। नंबर 1 है पाकिस्तान हैज़ मेनली डैश जियोग्राफिकली रीजन्स, जियोग्राफिकल रीजन्स, तो कितने रीजन्स हैं, 3 रीजन्स हैं, ठीक है। 2 नंबर पे है डैश परसेंट ऑफ पाकिस्तान नेचुरल फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्थर्न आइलैंड्स, कितने परसेंट जो हैं वो कुदरती जंगलात जो हैं वो नॉर्थर्न हाईलैंड्स में जो हैं वो पाए जाते हैं, 90%, ठीक है। 3rd नंबर पे है डैश इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, इंडस रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, मैंने आपको बताया था कि इसकी जो है वो लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर लॉन्ग है ये, ठीक है। 4 नंबर पे है द लोअर इंडस प्लेन इज़ सिचुएटेड बिटवीन द डैश डेजर्ट एंड बलोचिस्तान प्लेट्यू, तो कौन से डेजर्ट के दरमियान है, 3rd डेजर्ट, ठीक है। नंबर 5 है सुलेमान माउंटेन रेंज लाइज इन द ईस्ट ऑफ डैश, इन द ईस्ट ऑफ क्वेटा, क्वेटा के मशरक में, ठीक है ना, सुलेमान माउंटेन। पेज नंबर 13 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, इसका ए और बी पार्ट, ए पार्ट में आपके MCQs थे और बी पार्ट में आपकी जो है फिल इन द ब्लैंक्स थी। ये दोनों जो है आपने पेज नंबर जो 13 है इसको आपने रिवाइज करना है, इसको लर्न भी करना है, ठीक है, ताकि आपके जो पेपर्स होने वाले हैं उनकी आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। साथ साथ जो आपको थोड़ा थोड़ा लेक्चर दिया जाता है, वीडियो लेक्चर दिया जाता है, इसको आप गौर से सुना करें, ठीक है, और इस पर तवज्जो दिया करें और साथ साथ आप इसको लर्न भी किया करें। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।